अब जो है ये लोग है इसलिए आत्मा में इन लोगों ने इस शंकर जी के दर्शन हमारे आत्मा में भिन्नता को मान लिया है तो उसको निराकरण करने के लिए ग्रंथ का एक एक करके दिखाया उपाधि की भिन्नता से सारा शंकर के समझ हो सके। भिन्नता हो जाने के बाद फिर उन लोगों ने शंका उठाया कि ये जो सृष्टि श्रुति के बारे में आप क्या करेंगे, श्रुति जो कहती है वो झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य है, इसलिए सृष्टि सत्य होना चाहिए। तब ऐसा शंका होने पर उत्तर देते हैं मृत लोग सृष्टि या चोरी का अन्यथा उपाय से अवतारा है नष्ट भेद कथन के जो श्रुतियों में जो मृत्यु का युद्ध है लोहा अथवा सोना और अपने विस्फुलिंग आदि दृष्टांत के द्वारा सृष्टि को समझाते हैं, ये केवल मात्र हमारे अंदर एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए एक उपाय है। क्योंकि एक सामान्य नियम है कि कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, मतलब क्या है जब कभी भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता है इसके अंदर उसका कारण अनुसूत है, जगत की मूल कारण क्या है ये एक मनुष्य प्रमाण से जाना जाता है और वो कारण सभी कार्य में अनुसूत है, इसलिए कहते हैं सभी जगत में एक ही कारण ही विद्यमान है, बाकी कार्य वाचार ये अभिप्राय से वहाँ विधान है। अच्छी बात है भाई आपके सृष्टि स्तुति के साथ जो विरोध दिखाई दे रहा था उसको परिहार किया, परंतु हमें कर्म उपासना आदि का भी तो वर्णन है उसको क्या करें, उसमें तो हृदय तुम्हें वो भी नहीं बनता। तब क्या बोलते हैं आश्रम त्रिविधा हीना मध्यम उत्कृष्ट दुष्कर दुष्कर उपासना उपदेश एवं तदर्थम अनुकंपया। वहाँ पर क्या हो गया कि ये जो तीन प्रकार के वर्ण और आश्रम के अनुसार क्या होता है अधिकारी की भिन्नता है ना, निम्न कोटि के अधिकारी मध्यम कोटि के अधिकारी उत्तम कोटि के अधिकारी, इस अधिकार सबसे निम्न और मध्यम कोटि के अधिकारी को जो है ऊपर उठाने के लिए शास्त्र के द्वारा इस प्रकार कर्म और उपासना को विधान दिया गया। ठीक है ये भी परिहार हो गया, समझ गया तुम्हारी को जो विधान। अब हमारी प्रश्न है द्वैत और अद्वैत शब्द से विरोध है, आप कहते हो द्वैतवादी विरोध नहीं है स्पष्ट दिखाई पड़ता है, विरोध है होते हैं कि उनके दर्शन जो है ना कि आपस में लड़ाई करने वाले राग देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस दर्शन के साथ हमारे साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ब्रह्मदेव पुरुष सभी को अपने आत्मरूप से ही देखता है और ये जो द्वैत दिखाई पड़ता है वो द्वैत अद्वैत का ही एक विभक्त है, अद्वैत से छोड़कर के अधिष्ठान जो तत्व है उस अधिष्ठान तत्व का ही संस्थान विशेष द्वैत रूप में दिखाई पड़ता है। अद्वैत परमार्थ ही द्वैत तद्भेदम द्वैतम तद्भेद उच्यते येषां उभयथा द्वैतम तेन अयवना विरुध्यते। हमारे यहाँ पे तो एक पारमार्थिक स्थिति है एक प्रातिभाषिक अथवा व्यवहारिक स्थिति है, इसीलिए पारमार्थिक में हम जो है अद्वैत को मानते हैं, प्रातिभाषिक अथवा व्यवहारिक में द्वैत को हम मानते हैं, उनके वहाँ भी पारमार्थिक और प्रातिभाषिक हर जगह पे द्वैत ही है, मिथ्या वस्तु को लेकर ही पूरा विचार करते हैं, इसलिए उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मदेव का पुरुष सबको अपने स्वरूप नहीं देखते हैं, अपने से भिन्न करके नहीं देखते हैं, यहाँ दृष्टांत दिया था कभी अपने हाथ पैर के द्वारा कभी आँख में आप वजूहा के द्वारा
दांत को आगे जो मतलब जीना उत्पन्न होता है, फिर कोई व्यक्ति उसमें कोई प्रतिकार नहीं करता है, वो जानते हैं कि मैं इसी प्रकार से सारी सृष्टि में जब मनुष्य भी कुछ नहीं है, एक निश्चय हो जाता है, फिर व्यक्ति का संसार से राग देश को जाते हैं और वही है जीवन की कानून की स्थिति। अब जो है अब इसके ऊपर हम लोग ये पढ़ गए थे ना, नंबर 18 चल रहा था, नंबर 18 एक सरकारी श्लोक को अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयथा द्वैतम् तेनाद्युध्यते। पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत अधिष्ठान एकमात्र सत्य है और उसके ऊपर ही द्वैत प्रपत्ति दिखाई पड़ती है। कुछ भी दिखाई पड़ता है वो अद्वैत को छोड़कर नहीं दिखा सकता, अधिष्ठान के बिना भ्रांत वस्तु की कभी प्रतीति नहीं हो सकती, इसलिए अधिष्ठान ही भ्रांत रूप में प्रतीति होती है। मतलब ये रज्जु ही भूचित्र जल धारा दंड माला सर्व नए रूप में कल्पित होता है। अब है तो मानते रज्जु ही अभी किसी प्रकार एक निर्मुला का निर्देशित गया पक्षुद हो जाएगा तब तो पूर्ण दिन कमाना है, उसी के ऊपर जहाँ आकार वायु अग्नि गर्भि विषय लेकर के सारा वस्तु कल्पित है। पारमार्थिक मात्र सृष्टि होना संभव ही है, क्यों? क्योंकि वो एक व्यापक और निर्विकार तत्व, व्यापक और निर्विकार, जन्म भी है और कुटस्थ अजन अजय भी है और कुटस्थ भी है। इसलिए वहाँ पे यदि कोई कहता है कि जन्म के बाद वो फिर अजो भी है जन्म भी होगा, कोई कोई बात ऐसा भी मानता है, ऐसा होना संभव है, मान प्रतिज्ञा की विरोध हो जाएगा, प्रतिज्ञा की विरोध हो जाएगा। और यदि कहेंगे आप मानते भी हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइक मानना पड़ेगा, तो हमसे एक सच है झूठा ऐसा मानना पड़ेगा, परंतु कोई भी बात ऐसा भी है तो हम सच मानते हैं। आगे बोलेंगे देशा उभयता उन बातों के मत में जो है पारमार्थिक दृष्टि से भी द्वैत है, व्यवहारिक दृष्टि से भी द्वैत है। इसलिए वो मिथ्या को लेकर के व्यवहार करते हैं और उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। देखिए आप यहाँ तक टीका पढ़ लीजिए, स्वप्न व जागृत भेदाना उत्पत्ति दर्शना है ना, जो वस्तु की उत्पत्ति होती है वो नाशवानी होते हैं, अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, वाचार मनोविकार नाम ध्येय कौतुक विकारी वस्तु है। स्वप्न व जागृत टीका है विरुद्धते है ना, जो कारण जो है उसके ऊपर जो कार्य जो प्रकृति होता है उसको कभी भी विरोध नहीं करता, कारण कभी भी कार्य को विरोध नहीं करता, क्योंकि कारण तो कार्य को पुष्ट करता है, एक कार्य दूसरे कार्य को विरोध करता है। मृतिका के एक मृतिका के ऊपर एक साथ अकुंडल और भरा गुण नहीं देख सकते, यानी उस मृतिका उस कार्य को विरोध नहीं कर रहा, एक कार्यांतर एक कार्यांतर को विरोध करता है, कार्यांतर कार्यांतर को विरोध करता है। इसलिए हमें देखते हैं न चाहे कारण कार्य प्रतिभाषित विरुद्ध के कारण जो उसके ऊपर जो कार्य की प्रतिनिधि हो जाए उसके साथ कभी भी विरोध नहीं करता। कार्य से बाजार अनुमान मात्र कार्य क्या है, केवल एक विकार मात्र है, वाणी के द्वारा बोले जाना मात्र है, उसको कोई पारमार्थिक पता नहीं है। कार्य से बाजार अनुमान मात्र कारण अतिरेक न अभाव अधिष्ठान रूपी कारण को छोड़कर उस अस्तित्व ही कभी सिद्ध नहीं होता, अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, ये इसका विरोध है। अब इसके यहाँ तक हमने पढ़ लिया तेषाम ऐसा मतलब भेदवादी नाम इत्यादि भागम विभाजते, मतलब जो द्वितीय भाग है श्लोक की जो उत्तरार्ध है उसको अभी विभाजन करते हैं, मतलब उसको व्याख्या करते हैं। तेषाम द्वैतवादी नाम इत्यादि भागम जो मूल में आया हुआ है जो द्वितीय श्लोक की उत्तरार्ध है उसको अभी व्याख्या करते विभाजते। द्वैती नाम तु दैती नाम तु तेषाम परमार्थस्य मतलब तेषाम द्वैती नाम ठीक है, ऐसा उन द्वैतीनों का तो परमार्थतश्च अपरमार्थतश्च उभयथापि द्वैतम के दोनों प्रकार से वो द्वैत को भी मानते हैं। ठीक है, तालिम कर देखिए परमार्थ द्वैत अंश परमार्थ द्वैत अंशेन अद्वैत विरोधम आशंका द्विधा व्यवहार यदि ठीक है ना, परमात्म यदि द्वैत होता तब उसके साथ अद्वैत का विरोध होता है ना, परमात्म द्वैत अंश अद्वैत विरोध हम आशंका तब उसका अद्वैत के साथ विरोध होता है। विधा व्यवहार इस प्रकार एक परमात्म व्यवहार
मानने पर कोई असुविधा नहीं है, परंतु यदि दोनों का पारमार्थिक मंत्र का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसका तीसरा व्यवहार अभी विमतस्य दैतस्य विवादास्पद द्वैत प्रपंच है, उसका ऊपर लास्ट में लिखे मिथ्यात्व सिद्धे, मिथ्यात्व सिद्धे क्यों द्वैतत्वात् संप्रतिपन्न वाले यहाँ पे आया हुआ है ना, पांच आठ नंबर टिप्पणी स्थान भगवान शिव की परमार्थत्व अभिमतम द्वैतम मिथ्या द्वैत तत्व संप्रतिपन्न शुक्ति रूप आदि ठीक है। ये टिप्पणी का नेतृत्व कहाँ पर अनुमान दिया है वो इसी का ये प्रारूप थोड़ा सा हटा करके दिया हुआ है। क्या बोलते हैं कि विवादास्पद जो द्वैत प्रपंच है ना, उसमें मिथ्यात्व रूप धर्म बैठा हुआ है, द्वैत होने के कारण मन भेद रूप में दिखाई देने के कारण जहाँ भेद देखना वही मिथ्या है, ऐसा समझ। मतलब मिथ्या मतलब क्या है, प्रतीति होती है संशय नहीं है, मिथ्या मतलब नहीं है ये बात नहीं है, मिथ्या मतलब क्या है प्रतीति होती है संशय नहीं है, और प्रतीति नहीं होते वो असत वस्तु बोलते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि विमतस्य द्वैतस्य मिथ्यत्व सिद्धे, क्यों कैसे सिद्ध हुआ द्वैतत्वादेव संप्रतिपन्न वदन मत कहेंगे विवादास्पद विमत द्वैत मिथ्या उस प्रकार जो है मिथ्या वस्तु अथवा मिथ्या सिद्धांत के साथ हमारा कुछ भी विरोध नहीं है। अद्वैतस्य मतलब द्वैतस्य तेन विरोध न भवति इति मनवान, इसको मन में रखते हुए उत्तर मनवान सन कहते हैं यदि चेषाम भ्रांता नाम द्वैत दृष्टि अस्मक अद्वैत दृष्टि अभ्रांता, क्योंकि उन लोगों का जो है मतलब भेद दृष्टि के भेद को पारमार्थिक मानना यह भ्रांति है, और भेद को प्रतिभाषित मानना ही दशा है। एक ही लोग करते हो जाए अद्वैत दृष्टि का भ्रांत और जो अभ्रांत भ्रांति मूल द्वैत दर्शन ही भ्रांति मूल द्वैत दर्शन ही अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलक अविरुद्ध है ना, भ्रांति मूल द्वैत दर्शन भ्रांति मूल है ना, रूप इसका क्या है गलत, भ्रांति जिसका मूल है, भ्रांति जिसका मूल है भ्रांति मतलब मोहन को ठीक से नहीं समझने का गलत समझ गया, उसी मोहन को आधार करके उसी के ऊपर उसने पूरा पेड़ को उत्पन्न कर फाउंडेशन कह गया गलत है। भ्रांति पूरा द्वैत दर्शन है ना, द्वैत दर्शन है द्वैत दर्शन के साथ अद्वैत दर्शन अद्वैत प्रमाण पूरा प्रमाण के ऊपर आधारित है और विरुद्ध इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एक इसी को जो है एक दृष्टान्त दृष्टान्त के द्वारा समझा रहे हैं। वो उसको बोलता है देखो मैं भी हाथी के पेट को पर बैठा हुआ हूँ, हाथी से हाथी और अधिक बलवान है भिड़ा करके देखो, ऐसा सुन कर दे हाथी के पेट को पर बैठा हुआ व्यक्ति वो जो है भूमिष्ठ व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करता, भूमिष्ठ व्यक्ति से लड़ाई नहीं करता। एक दृष्टांत है यहाँ देखिए, यहाँ सत्य के ऊपर आधार होकर के व्यक्ति मिथ्या वस्तु को लेकर के लड़ रहा है उसको इसका विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। इसके बोलते हैं क्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन प्रमाण मूलम और विरुद्धामी की एक दृष्टांत उपपादन दृष्टांत द्वारा समझाया या दशमत बने कार्य कारण भूत द्वैत अद्वैत अविरोधे सिद्धे फलितम आह है ना, कार्य हो गया कौन द्वैत और कारण हो गया अद्वैत, इसे बोलता है कार्य कारण भूत एक कार्य रूप है और एक कारण, क्योंकि द्वैत तब भेद उच्चत बोला द्वैतम तब भेद उच्चत से कार्य कारण भूतयोर द्वैत अद्वैतयोर द्वैत हो गया कार्य कारण हो गया अद्वैत अधिष्ठान अविरोध सिद्धि दोनों में कोई विरोध नहीं है, जो सिद्ध हो जाने पर फलितम निष्कर्ष को कहते हैं, निष्कर्ष को कहते हैं क्या कहते हैं
तत् परमार्थत ब्रह्मवेत् आत्मा एव दैतिना। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मवेत्ता पुरुष का ब्रह्मवेत्ता पुरुष तो सभी वेद प्रपंच का आत्मा ही है, समस्त वेद का आत्मा। ततः इसके फलस्वरूप द्वैतस्य अभाव, द्वैत के अभाव होने के कारण परमार्थ परमार्थत द्वैतस्य अभाव ब्रह्मवेत् आत्मा एव दैतिना। इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष द्वैतवादियों की अभी आत्मा है, इस प्रकार से उनका अनुभव हो जाता है, इसलिए उनके सबके विरोध नहीं करते। कार्य करू है द्वैत द्वैत अविरोधी सिद्ध है द्वैत अहंतर अद्वैतिनाम द्वैतिनाम च अद्वैतिनाम द्वैतिनाम च प्रातिस्विक पक्ष पर्यालोचनात् द्वैत पक्षे अद्वैत पक्ष विरुद्ध न भवति इति फलितम् उपसंहरति। यहाँ पे क्या बोला, अद्वैतीनाम अद्वैतवादियों का अद्वैतीनाम च अद्वैतवादियों का प्रातिशिक पक्षम, प्रत्येक जो अलग अलग पक्षम है प्रातिशिक प्रत्येक का जो अपने अपने सिद्धांत है पक्ष आलोचना तो उसके पूर्वा पर आलोचना के फलस्वरूप द्वैत पक्ष अद्वैत पक्ष विरुद्ध न, द्वैत पक्ष के साथ अद्वैत पक्ष का विरुद्ध नहीं होता। क्यों, एक मूल जो है प्रमाण मूलक है और एक भ्रांति मूलक, विरोध नहीं करता, उन लोगों के साथ विरोध नहीं आता। तेन हेतुना अयम अस्मत् पक्ष ये जो हमारे अद्वैत पक्ष है तही मतलब द्वैत ही द्वैतवादी भी विरुद्ध है, द्वैतवादी के सिद्धांत के साथ हमारा कोई विरोध, वादी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं। रज्जु का यदि सर्प के साथ विरोध होता है तो कभी भी उस रज्जु को सर्प दिखाई नहीं पाता, उसको पनपने ही नहीं देते। एक समय तो एक ही दिखता है किंतु भ्रांति मूलक है, एक समय तो एक ही दिखता है किंतु भ्रांति मूलक, भ्रांति से दिखाई दे रहा है रज्जु को। हमें जब हम बात समान अधिकरण बोलते हैं मतलब क्या है, विरोध इस दृष्टि से यदि आप बोलेंगे, अब देखिए विरोध किस लिए नहीं है, मतलब वहाँ पर बोला सिद्धांत वाला विरोध है वो मैं मनुष्य नहीं करता हूँ, परंतु द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादी का विरोध नहीं है, मतलब वो क्यों क्या बोले यहाँ पे पता तो परमार्थ तो ब्रह्मवेद आत्मा एवं व्यक्ति ना समस्त द्वैतवादियों का आत्मा ब्रह्मवेदता पुरुष है, इसमें किसी व्यक्ति के समाधान में कोई विरोध नहीं है। द्वैत और अद्वैत में विरोध नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं स्वसिद्धांत व्यवस्था को परस्परम विरुद्ध हमते कई अयोगना विरुद्ध है, इस प्रश्न को लेकर बोलते हैं अपने अपने सिद्धांतों को निश्चित रूप में प्रतिपादन करने के लिए आपस में एक दूसरे का विरोध करता है, दूसरे को करता है उस मत को अनुसरण करने वाले व्यक्ति, उन व्यक्तियों के साथ हमारा विरोध नहीं है। सिद्धांत का विरोध है इसमें कोई माने कौन विषय कर सकता है, उस सिद्धांत को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के साथ हम लड़ाई नहीं करते जैसे वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं। क्यों, ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसको भी अपना स्वरूप ही देखता है, उसके साथ यही अभिप्राय से बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रसंग ये आया था ना कि परस्परम विरुद्ध हंते तई अयमना विरुद्ध स्वसिद्धांत व्यवस्था को बदलते हैं निश्चित भी हम अपने अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए द्वैतवादी बिल्कुल निश्चय अपने सिद्धांत, और इसके लिए क्या करता हमारा सिद्धांत जो ठीक है तुम्हारा सिद्धांत गलत है, तुम्हारा सिद्धांत ठीक हमारा सिद्धांत ठीक है, इस प्रकार आपस में जो विरोध करते रहता है। परंतु अद्वैतवादी क्या होता है कि सभी आत्मभूत हो जाने के कारण किसी के साथ उसका विरोध नहीं, सिद्धांत का विरोध हो गया मन, क्योंकि मैं जानता हूँ सिद्धांत का इसके विरोध है वो भ्रांति मूलक वस्तु को लेकर के विचार कर रहे हैं और हम श्रुति मूलक वस्तु को लेकर के विचार कर रहे हैं। अब जब उनका समय हमें तो समझ में आए जी एक और भी एक मतलब बहुत एक अच्छा चीज बोल रहे कभी भी किसी भी समय किसी व्यक्ति को अद्भुत समय व्यक्ति किसी लेकर के किसी वस्तु को समझाना चाहते हैं वो अपने सिद्धांत को बोलते जा रहे हैं आप अपनी बोलते रहें, परंतु यदि आपके एक बार समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि इसको बोलने से लाभ नहीं, तो फिर बिना मतलब वहाँ पर समय बर्बाद ना,
ठोस भी समझना होगा। यही क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बौद्धिक लोगों का अनुसार शब्द प्रयोग करते व्यवहार भी करते हैं। इसको ध्यान रखना, मैं भी हमारे तरह भी ऐसे ही है, हम भी जितना समझे उतना ही बोल पाएंगे, आप जितना समझे उतना ही बोल पाएंगे। अब यदि आपको ऐसा लगता है ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ वो भी यही सोच करके बोल रहा, मैं प्रामाणिक बोल रहा हूँ, हम भी सोच रहे हैं मैं प्रामाणिक बोल रहा हूँ, तो यदि आप हम देख लिया कि जिस उसने जो सिद्धांत को बनाया ये हमारी दृष्टि से तो ऐसा लग रहा है कि वो भ्रांतिमूलक, उसकी दृष्टि से हम भ्रांतिमूलक है, क्योंकि हमारे इसलिए इस समय फिर जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे, ईश्वर को छोड़ देना चाहिए, ईश्वर को छोड़ देना चाहिए कि भगवान ने कोई बना के रखा ताकि हमारे सिद्धांत को पूरा पक्का हो जाए या आपके सिद्धांत सही है। अब इस प्रकार से यहाँ पे बोल दिया, इतना होने के बाद अब जो है ये भारी संभव है। अभी आपने क्या कहा, द्वैतम तक भेद उच्चते, द्वैत अद्वैत का ही एक जो है विशेष स्थिति है, इस प्रकार घरा वृत्ति का भी एक विशेष स्थिति है, ठीक है ऐसा आपने कहा, द्वैतम तक भेद उच्चते के शाम अद्वैत परमा फिर द्वैतम तक भेद उच्चते शब्द आपने कहा। जैसे ये कहा तब वो कहते हैं देखो इस प्रकार घरा वृत्ति का तो एक संस्थान विशेष है, ठीक इसी प्रकार आपने अभी क्या कहा कि द्वैत अद्वैत का एक विशेष स्थिति है, कारण का गुण कार्य में आता है, तो यदि द्वैत पारमार्थिक अद्वैत पारमार्थिक सत्य है तो द्वैत पारमार्थिक सत्य होना चाहिए कि मुझे के विस्तार है, लेकिन जैसे आपने अभी क्या कहा कि द्वैतम तद भेद उच्चते, द्वैत अद्वैत का एक विशेष स्थिति है ये आप कहना चाहते, ये आप क्या बोलेंगे, ये द्वैत अद्वैत का जो एक विशेष स्थिति है वो भ्रांतिमूलक स्थिति है, ये कहने के लिए आप हमको क्या बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्येक वादी के ही सिद्धांत है कि कारण के गुण कार्य में आना चाहिए, बिल्कुल हम सही मानते हैं। आप तुमने कारण को क्या माना, त्रिकाल अवाधत्तम सत्यम, जो कारण यदि त्रिकाल अवाधत्त रूप सत्य है जो उसी कारण के ऊपर दिखाई दे रहा है कार्य, वो भी त्रिकाल अवाधित क्यों नहीं होना, इसीलिए जगत नित्य माना पड़ेगा, पूर्व में आपका था बिल्कुल डंडा लेकर खड़ा हो गया। अब तुमने ये कहा तब हम क्या उत्तर देंगे, बिल्कुल सही बोला तू, परंतु यदि परिणामी उपादान होता तब ऐसा हो सकता था, परंतु विवर्त उपादान है इसलिए प्रतिपति प्रतिभाष मात्र क्योंकि प्रतिभाष मात्र है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए अब शंका उठा रहे हैं क्योंकि जो कारण में गुण धर्म होता है वो जो है कार्य में भी आएगा, तो द्वैत भी तात्विक हो जाएगा पारमार्थिक हो जाएगा, ऐसा कोई शंका करता है तो उसके उत्तर में आगे बोलते हैं। देखिए जितना छोटा छोटा शंका हमारे मन में होता है एक एक कार्य का उसको शंका के उत्तर है, एक एक कार्य का उसको शंका के उत्तर है। जैसे ही आपने कहा कि जो अधिष्ठान ही जो है इस रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब क्या हो गया कि अद्वैत जो है अद्वैत का ही एक विशेष स्थिति है, तब हम बोलेंगे तब यदि कारण का गुण कार्य में आता है, यदि कारण आपका पारमार्थिक सत्य वस्तु है
तो कार्य में भी वैसे पारमार्थिक सत्य है ना। तो बोलता है ये तब सोना संभव है जो परिणाम उपादान का, इस प्रकार सोना रूपी उपादान से जो अहंकार बनता है उसमें सोना का सारा गुण आता है, सारा गुण आता है। परंतु विभक्त उपादान का मतलब रज्जु जब सत्व रूप में प्रतीति होती है अथवा बालू का जब पानी के रूप में प्रतीति होती है, ना बालू का भी धर्म पानी को स्पर्श करता है, ना पानी का धर्म बालू का स्पर्श करता है। इतर धर्म अनुपत्ति सिद्धाया अंतस्पर्श पर भाषित करते उष्मदस्मत प्रत्यय गोचर विधर विषय विषाणी परस्पर विरुद्ध स्वभाव है ना। इस प्रकार इतर इतर धर्म होना संभव नहीं होने पर भी हम उसको प्रकार धर्म का ही व्यवहार करते हैं, उसको समझाने के लिए बोलते हैं द्वैत अद्वैतम एवं द्वैतात्मना परिणाम दे। अद्वैत जो द्वैत रूप से परिणाम होता है छेद, यदि तुम ये कहना चाहते हो तब द्वैतम अपनी प्राप्ति कम से तब तो द्वैत भी पारमार्थिक सत्य वस्तु हो जाएगा, ऐसा कुछ शंका करता है, इसको उत्तर नहीं कहते हैं। तो चार नंबर टिप्पणी देखिए अद्वैतम एवं इत्यादि रेखनम यह परिणामवादेन उत्तरम च विवर्तवादेन इति बोध्यम। प्रश्न किसको लेकर के हुआ? परिणामवाद को लेकर के। उत्तर किसको लेकर के देंगे? विवर्तवाद को लेकर के। हम विवर्तवादी ये शंका परिणाम बात को लेकर तो स्वाभाविक है, जैसे होते हैं एक नम यह परिणाम वादी न प्रश्न यहाँ पर परिणाम बात को लेकर तो है उत्तर हम से विवर्त वादी न यदि बोलता ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए। हम परिणाम बात को नहीं मानते, विवर्त बात को मानते हैं, इसलिए बोलते हैं यहाँ के श्लोक में आ जाइए प्रश्न शंका यहाँ पे रिच था कितना धातु है धातु का प्रश्न अथवा शंका प्रश्न अथवा शंका न प्रश्न अथवा शंकर हुआ तो रूप प्रत्यय परिणाम वाद है। परिणाम वाद को लेकर के कहा गया उत्तर से विवर्तवाद है, उत्तर इसको लेकर के गया विवर्तवाद को लेकर के बोलते हैं। ऐसा समझना चाहिए माया भिद्यते ये तन माया भिद्यते ये तन नन्नथाजं कथंचन नन्यथाजं कथंचन तत्ततो भिद्यमाने मर्ततामृतं व्रजे मायया भिद्यते ह्येतन् नान्यथाजं कथञ्चन तत्ततो भिद्यमाने मायाया भिद्यते। इस परमार्थ सब अजन्मा अद्वैत में रज्जु में जो सर्पणी करा जो प्राप्ति मतलब प्रतीति होती है वो माया के कारण भिद्यते है। मायाया ही एतत् भिद्यते माया के कारण ये भेद दिखाई पड़ता है न अन्यथा अजम कथंचन न भिद्यते। जन्म रहित जो तत्व है वो जन्म लेकर के अनेक रूप हो जाएगा, इधर बोल रहे हैं अजम और उधर क्या बोल रहे हैं जन्म होकर के अनेक रूप हो जाएगा, ये तो विरुद्ध कथन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अजम कथंचन अन्यथा न भवति जन्म रहित तत्व यदि आपका प्रतिज्ञा सुनती ऐसा कहते हैं वो किसी भी प्रकार से वो मतलब जन्म वाला होकर के अनेक रूप में दिखाई देगा ऐसा तो होने से, इसलिए माया से ये भेद की प्रतीति होती है। एक अखंड व्यापक तत्व माया के कारण अनेक रूप में प्रतीति होती है। इस प्रकार देखिए कि एक लाइट है पीछे और सामने एक डिस्क रखी और उसके ऊपर अनेक छिद्र करके और आप एक एक रंग की कलर के कागज करा लीजिए, ठीक है ना। अब वो ही लाइट डिस्क का मतलब कागज के माध्यम से है तो एक ही लाइट आपकी दीवार में देखिए कितने रंग का रंग दिखाई दे रहा है। स्टैंड का हो रहा है
तो क्या होता है यहाँ पे कि जैसा कि एक ही इसी में जो ये क्षेत्र यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही माया, माया जो है माया का दो साइड है, एक शुद्ध सत्व प्रधान है और एक मलिन तमो प्रधान है। शुद्ध सत्व एक ही सीमा का जिस प्रकार एक मतलब लेंस हुआ, एक सेल्फ कॉन्केव है, एक सेल्फ कॉन्वेक्स है। अब क्या होगा, आप एक जब एक तरफ से देखेंगे तो आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, एक तरफ देखेंगे बड़ा दिखाई पड़ेगा, विपरीत दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार माया भी एक ऐसे एक तत्व है जो शुद्ध सत्व प्रधान साइड में जब आप अपने प्रतिफलन देखेंगे तो एक माया जिस ईश्वर अपने एक रूप में देखते हैं, वही ईश्वर जब अपना प्रतिबिंब मलिन तमन प्रधान में प्रतिफलित होकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, अपने अनेक रूप में देखते हैं, अपने अनेक रूप में देखते हैं। वास्तविक तत्व तो एक ही है, वास्तविक तत्व एक ही है। इसीलिए आप बोलते हैं कि माया भिद्यते ही एतत्, माया के कारण ये भेद की प्रतीति होती है। अजम कथंचन न अन्यथा भिद्यते, वो अजन्म रहित तत्व किसी भी प्रकार से माया को छोड़कर या किसी भी प्रकार से अनेक रूप में वो प्रतीति नहीं हो सकते, पर माया से ही होना संभव है। यदि वो तात्विक भिद्य भेद होता ना तब तक तो विद्यमान ही, यदि वहाँ पे तात्विक भेद होता हुआ होता तब क्या होता, अमृतम मर्त्यताम व्रजे, है ना, जो जन्म रहित अमृतमय तत्व है वो मरणशील हो जाए। जन्म रहित तत्व मतलब जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है वो मरणशील हो जाएगा, उस धर्म वाला हो जाएगा। आज यदि मरणशील जन्म का मरण का जिसका स्वभाव होगा वो कभी अमर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता। स्वभाव अपना जहाँ दी उसको प्रकृति बोलते हैं, जिसका जो प्रकृति है सदृशम चेष्टते शास्त्रम प्रकृति ज्ञानोवान, अपने प्रकृति का उनसे सभी व्यक्ति चेष्टा करते हैं। इसलिए यदि किसी का प्रकृति जन्म में मरने वाला होगा तो कभी आप अमृतत्व का आशा नहीं करते। इसलिए एक अमृत स्वरूप है जिसके ऊपर जन्म मृत्यु की प्रतीति होती है, वो भ्रांति बीतने से वो अपने जन्म मृत्यु रहित अवस्था को अनुभव कर लेते हैं। इसलिए तब तक विद्यमान ही यदि वहाँ की तात्विक भिन्नता हुई होती तब क्या होता, अमृतम मर्तताम व्रजे, अमृतम मर्तताम व्रजे, जो जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है वो जन्म मृत्यु वाला हो जाएगा। यदि उसका पारमार्थिक मानेंगे तो इसको मन में रखते हुए आप बोल जाएंगे कि अद्वैतम एव द्वैतात्मना परिणमते चेत् द्वैतम अपि तात्विक अवचारिति आशंका आरो। हम क्या बोलते हैं, टिप्पणी का बहुत सुंदर बोला, शंका हुआ परिणाम बात को लेकर के और उत्तर जिसे कह रहे हैं विवर्त बात को लेकर। इसलिए यहाँ पे टीकाकार लिखता है विवर्तवाद अनंगीकारे दोषम आरो, यदि इस प्रकार विवर्तवाद को नहीं मानोगे तब दोष क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा किया अज, और दिखाई क्या देगा आपको, जन्म मृत्यु वाला मर्तत्व यही दोष होगा। तत्त्व विद्यमान ही परिणाम बात को यदि अंगीकार करोगे, विद्य विवर्त बात को यदि नहीं मानोगे, परिणाम बात को यदि मानोगे तब क्या हो जाएगा, तत्त्व तात्विक भिन्नता हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा कि आपका जो आपने प्रतिज्ञा किया था अज, और वो अज नहीं जाएगा, जन्म में मरने वाला हो जाएगा। कोई बात ऐसा बोलती है, जन्म नियम तो अच्छा लगता है, आज का दिन बड़ी विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसका मृत्युदिन क्यों नहीं मनाया जाता है, महात्माओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, अधिकतर तिरुधान मनाया जाता है, तिरुधान जी को पुण्यमी जी के रूप में मनाया जाता है। परंतु मिशन में आप कभी भी ठाकुर जी का मृत शरीर का छवि दिखाई पड़ता है, परंतु किसी भी जगह में नहीं देखेगा, तब भी कोई भी लोग कहेंगे उसको रखोगे तो घर में बाप होगा। जैसे किसी भी जगह पर आप नहीं देखेंगे कि नहीं, मैं ये बोलता हूँ मन के हमारे मन की ये देखिए, यदि आप जन्म की मान्यता देते हो तो मृत्यु की मान्यता देता है, क्योंकि जन्म लिया शरीर, और जो जन्म लिया मरेगा, भगवान जिसने इसको सिद्धांत जातक से ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव जन्म मृत्यु सच है, यदि यही सिद्धांत है तो मृत्यु को भी हम क्यों भी अपना क्यों घोषित करें। लोग मृत्यु के डर मन में ऐसा बैठा उसको कुछ से अपना नहीं पाता, परंतु मृत्यु जैसा इतना अच्छा बंधु दोस्त और कोई नहीं है संसार, इस समय कोई हमको देखना पसंद नहीं करता, उस समय मृत्यु भगवान मृत्यु रूप धारण करके हमको बोध भी देते हैं, हमको नया शरीर देकर सबके पास हमको प्रेम बना देते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात है, लेकिन सभी ने ऐसा कर मतलब पक्षों में ऐसा बोलते भी है कि ऐसा नहीं मिलते बात नहीं है।
तो क्या हुआ कि मृत्यु को भी तो मानना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा मानोगे पारमार्थिक जन्म अगर मानोगे तब तुमको मृत्यु भी पारमार्थिक मानना पड़ेगा। तो आपको मृत्यु भी पारमार्थिक नहीं भूल जाऊंगा ना उतनी जरूर भूल जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं कि तत्व तो विद्यमान है तात्विक यदि जन्म को मानोगे तब क्या हो जाएगा कि जन्म रहित तत्व मरने वाला हो जाएगा। वास्तविक जन्म रहित तत्व हमेशा बने, आत्मा की कभी जन्म नहीं होता। और शरीर की जन्म होती है इसमें शरीर मरेगा, शरीर का जन्म होता है इसमें मरेगा भी शरीर। इसको लेकर के कोई चाहे कि मैं नहीं मरूंगा ये हो नहीं सकता। भगवान राम जी को भी मरना पड़ा, भगवान शिव मतलब कृष्ण को भी मरना पड़ा, शिव जी का जन्मदिन मनाया नहीं जा रहा है, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, शिव जी ऐसा जन्मदिन एक तत्व ऐसा मानना पड़ेगा आपको, एक तत्व आपको मानना पड़ेगा जो जन्मदिन से रहित होता है। और उस जन्मदिन से रहित तत्व जो है आपको वो मानने के आप उसको भी जन्म मानोगे तो उसका मृत्यु भी मानना। सभी जाति में जन्मदिन ऐसे जो डरते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जन्मदिन मरेगा क्योंकि जो जन्म लिया उसको अपना कुछ काम के लिए आते हैं, इसलिए मृत्यु के मृत्यु मतलब ये नहीं कि उसका संपूर्ण वियोग हो जाता है। मृत्यु मतलब क्या होता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की वियोग का मृत्यु होती है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की वियोग का मृत्यु होती है। और जिसकी सूक्ष्म शरीर भगवान के पारमार्थिक सूक्ष्म शरीर पर ईश्वर की प्रह नहीं है तो निर्विशेष है पारमार्थिक दृष्टि से, पर आपको कुछ निमित्त को लेकर के कुछ कर्म करने के लिए आते हैं फिर समाप्त होते चले जाते हैं। द्वैतम अद्वैत यहाँ पे बोलते हैं विवर्तवाद अनंगीकार दोष महावीर, विवर्तवाद को नहीं मानोगे तो वहाँ पे आपका दोष हो जाएगा। क्या तत्व भिन्न मान ही मर्तकम अमृतम मजे, आप क्या बोलते हैं पूर्वार्थ व्यावर्ता आशंकम आदर्श यदि, श्लोक की पूर्व भाग के द्वारा जिस शंका को निराकरण किया जा सकता है चाहते हैं उसको भगवान भाष्यकर दिखाते हैं। पूर्वार्थ व्यावर्तम आशंका, पूर्वार्थ के द्वारा निराकरण करने जो तो शंका है उसको भगवान भाष्यकर दिखाते हैं। क्या दिखाया वहाँ पे द्वैतम अद्वैत भेद इति उक्ते, द्वैतम अभी अद्वैत परमार्थ ठीक है ना। ये देखिए मतलब अपने क्या द्वैतम तद भेद उच्यते इतना वाक्यों को लेकर के मतलब तो अभिप्राय क्या था, जो भी देखते प्रपंच दिखाई दे रहा देता है वे की अद्वैत अद्वैत अधिष्ठान के ऊपर सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसे ही आपने ये कहा तो आप बोलते हैं द्वैतम अद्वैत अद्वैत भेद इति उक्ते, द्वैतम अद्वैत का भेद मतलब एक संस्थान विशेष है। यदि आप ऐसा कहोगे तो द्वैतम अपि अद्वैत अद्वैत अपि अद्वैत समान परमार्थ सत् वो पारमार्थिक सत्य ऐसा हो जाएगा। कश्यचित आशंका, ये किसी के मन में शंका हो सकता है तब तो आहो, किसी के उत्तर में कार्यकार ये उत्तर देते हैं ठीक है ना। शह दो नंबर एक पन्न शह कार्य कारणयोर लोके तुल्य सत्ता तत्व दर्शनादि भाव खरा और मृत्तिका दोनों में व्यावहारिक सत्ता है, तंतु और पर दोनों में व्यावहारिक सत्ता है ना। कार्य और कारण में सत्ता एक ही होता है। अब यदि आपका अद्वैत पारमार्थिक सत्ता वाला है तो उस अद्वैत का जो कार्य होगा वो भी पारमार्थिक सत्ता वाला होगा। ये लोग मन में नियम दिखाई पड़ता है कार्य कारण सत्ता एक ही होते हैं, परिणाम बाद में ये सिद्धांत लागू होगा विवर्त बाद में सिद्धांत लागू होगा। रज्जु से जैसा रज्जु की कल्पना से जो सर्प की उत्पत्ति हुई, रज्जु के ऊपर कल्पना से जिस सर्प की उत्पत्ति हुई वो सर्प कल्पित होने के कारण कभी भी रज्जु के समान सत्ता वाला नहीं हो सकता। व्यावहारिक सत्ता मात्र ज्ञान मात्र सुना सुना, इसलिए हम बोलते हैं पूर्वार्थ व्यावर्तम आशंकम आदर्श यदि द्वैतम अद्वैत भेद इति उक्ते, द्वैतम अपि अद्वैत वत् परमार्थ सत् इति शायद कस्यचित् आशंका, क्योंकि हम हेतु दे दिया आज अगर पूर्ण सत्ता वाला हो जाए सत्ता अतिथ आहुष्क कर्म कहते हैं भाष्य में देख लेंगे। जब परमार्थ सत् अद्वैतम माया भिद्यते ही एतत् तैमिरिका तैमिरिक अनेक चंद्रवत रज्जु सर्प धारा देवीर भेदे इव न परमार्थक निर अवयवत्वात् आत्मनः। ये मुख्य चीज है। जब यस्मा
परमार्थ सत अद्वैतम, जो पारमार्थिक सब वस्तु अद्वैत है, माया भिन्नते, माया के कारण, माया के कारण आपको दिखाई पड़ता। माया मतलब क्या हो गया? अधिष्ठान तत्व की अज्ञान। माया मतलब आप कुछ अन्य वस्तु नहीं समझना, माया मतलब अधिष्ठान तत्व की अज्ञान। जैसे कैसे दिखाई देता है? जैसे तैमरिक दोष वाली आंख में कोई दोष है तो एक चंद्र को दो चंद्र जैसा दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा का भी दो नहीं होते, परंतु प्रकृति दो की होती है। मैंने इसमें बताया जाता है ये तक तैमरिक अनेक चंद्र पर तैमरिक दोष के कारण अनेक एक के जगह पे दो तीन चंद्र को देखना ठीक उसी प्रकार यही माया का रूप बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि अनेक चंद्रवत रज्जु सर्प धारा विभिन्न, जिस प्रकार एक ही रज्जु रूपी अधिष्ठान सर्प जलधारा भूषित्र दंड मारा ऐसा भी के द्वारा भेदते हैं। जैसे उसकी प्रतिरक्षित धारा विभिन्न भेदे इव, भेद हो गया जैसा इव लगा हुआ भेदे इव न परमार्थ, तो पारमार्थिक आगे भेद होना संभव नहीं है। अकस्मात नील अवयत्व आत्मन, आत्मा जो है नील अवयव है, आत्मा जन्म रहित है, आत्मा कुटस्थ नित्य है, आत्मा कुटस्थ नित्य शांकवादियों की प्रधान की तरह परिणामी नित्य नहीं है। प्रधान को लोग नित्य माना परंतु परिणामी नित्य माना है, अभिधान के जो अपने अधिष्ठान को कुटस्थ नित्य माना, इसलिए यहाँ पे कभी भी किसी प्रकार से विवर्त के बिना किसी प्रकार से परिणाम होना संभव ही नहीं है। सा अवयव में ही अवयव अन्यथत्व भिद्यते, सा अवयव वस्तु इस प्रकार के देवी एक सावयव वस्तु है, अवयव का भिन्नता हो गया तो कभी एक काम टूट गया तो ऐसा हो जाता है, कभी एक काम और टूट गया तो पूरा गिर जाएगा। इसी प्रकार सावयव वस्तु में अवयव में विपरिणाम होने के कारण वो वस्तु भिन्न रूप में प्रतीति होती है। सावयव वस्तु में ऐसा होना संभव है, नील अवयव वस्तु में ऐसा होना संभव नहीं है। जिस प्रकार सावयव ही अवयव अन्यथा तेन भिन्नते, जिस प्रकार जैसे व्यक्ति शरीर को हाथ है, किसी एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया तो आपको लगेगा ये व्यक्ति का असर उसके कारण शरीर में भिन्नता हो जाता है, परिवर्तन है, ये वो व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये अवयव की भिन्नता के कारण ये भिन्न जैसे प्रतीति होती है, जो नील अवयव वस्तु में उस प्रकार इस प्रकार भिन्न करके प्रतीति होने का भी कारण जगह ही नहीं है। सावयव वस्तु में जो ऐसा होना संभव है, अवयव में भिन्नता होने के कारण अवयव में भिन्नता, जिस प्रकार देखिए हम हमारे आपके सब शरीर सावयव है, सावयव होने के कारण बचपन में जैसा दिखता था अब उस अवयव में परिवर्तन हो, कभी बुढ़ापे में अंदर प्रकार दिखती वो अवयव में परिवर्तन हुआ। अपन तो अंदर से जो जानने वाला मैं हूँ उसमें परिवर्तन कुछ नहीं है, बचपन में भी वही बोलता कि मैं बच्चा हूँ, अब बोलता मैं बूढ़ा हूँ, बच्चा बूढ़ा शरीर में है पर तो देखने वाला मैं एक ही है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। इसी यहाँ पे होता है सा अवयव भी अवयव अन्यथा तेन भिद्यते, अवयव में अन्यथा होने के कारण भेद दिखाई पड़ते हैं। यथा मृत खटादि भेद ही, मृत्यु का सावयव वस्तु है उसमें घर कुल्हर कस्टर आदि अलग अलग अवयव की भिन्नता के कारण मृत्यु का अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है, प्रकृति होती है। नील अवयवम अजम, इनको मैं सिद्धांत रखता हूँ। हमारे सिद्धांत के अनुसार आत्मा नील अवयव है और आत्मा क्या है कि जन्म से रहित है ना, इस कारण से इसमें कभी भी भिन्न रूप में देखना संभव नहीं है। तस्मात नील अवयवम अजम न अन्यथा प्रथम चन केनचित विप्रकारे न भिद्यते इति अभिप्राय, इसलिए जो नील अवयव है जो जन्म से रहित है एकमात्र विवर्त के बिना किसी भी प्रकार से उसमें भेद देखना संभव नहीं है। क्रांति से भेद दिखाई देता है ये हम मानते हैं, इसलिए बोलते हैं तस्मा इसके तीन नंबर टिप्पणी के मतलब सा अवयव भेद यज्ञ सा अवयव वस्तु में भेद होना संभव है, इस कारण से नील अवयव में भेद होना संभव नहीं है, इस कारण से सा अवयव भेद यज्ञ। सावयवस्य भेद जगत सावयव वस्तु में भेद होना संभव होने के कारण नील अवयव वस्तु में ऐसा होना संभव नहीं है। नील अवयवत्य अपि वस्तु वहाँ पे नील अवयव अजम जन्म रहित और जो अवयव रहित वस्तु अन्यथा कथन चल के निश्चित प्रकार है ना, देखो न अन्यथा बोल रहे हैं ना, यहाँ पे न भिद्यते है ना, न को दोबारा लाएगा मतलब उसका भिद्यते के साथ अन्वय है उसके देखाने के लिए,
अन्यथा कथन किसी भी प्रकार न भिन्नते नथक न एक बार बोल दिया फिर दोबारा न लिखा है भगवान दास कर उसमें क्या और नकार की अन्य भिन्न देती है प्रतिशत होगा एकमात्र नील अवयव वस्तु और जन्म रहित वस्तु जो अनेक रूप में दिखाई पड़ता है सावयव रूप में वो माया से भिन्न इसका किसी प्रकार से ये होना संभव नहीं है ये हमारी अभिप्राय है क्यों क्योंकि यदि आप तात्विक भेद मानोगे तो आपका प्रतीक क्या हानि यदि तात्विक भेद मानोगे तो प्रतीक का नाम क्या प्रतीक क्या अज अर्जा बोलते हैं कि और अज मतलब जन्म हुए बिना तो भेद होना संभव नहीं है जो अमृतमय है जो जन्म रहित है जो भेद रहित है वो अपने स्वभाव से क्या हो जाएगा मरणशील हो जाएगा तो जो एक ही अधिष्ठान में एक ही धर्म में दो विरुद्ध धर्म होना संभव नहीं है दो विरुद्ध स्वभाव होना संभव नहीं है तब तक तो विद्यमान ही तात्विक भेद वहाँ पे हो गया होता तब क्या होता अमृतम अजम अद्वयम जो अमृतमय है जो जन्म रहित है जो भेद रहित है तो क्या हो जाएगा जो स्वभाव से ऐसा है सन स्वभाव से ऐसा होता हुआ मद्दतम रजे तो क्या हो जाएगा विपरीत धर्म को प्राप्त होता है मानस धर्म को प्राप्त होता है जैसे कोई कहते हैं अग्नि शीतनाम अग्नि शीत स्वभाव वाला हो जाएगा ऐसा कभी होना संभव नहीं है यदि ऐसा हो जाएगा ना तो कभी व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा तो व्यवहार सिद्ध नहीं पाएगा तत्व अनिष्ट स्वभाव वैपरीत गमन ये किसी वादी का इष्ट नहीं है कोई भी वादी ये नहीं चाहेगा कि स्वभाव का वैपरीत हो जाए किसी वस्तु का स्वभाव में वैपरीत हो जाए ये किसी वादी का अभिष्ट नहीं सिद्धांत नहीं बना पाएगा आपने क्या बनाया अग्नि जो है देते हैं और उसको देने का हम क्या करते हैं कहीं मान लीजिए मैं दूर में ट्रेनिंग में गया तो आप क्या करेंगे ईंधन के रूप में आपके साथ के लिए ऐसा करना आपको यदि ये पता लगे कि अग्नि अपने स्वभाव को बदल सकता है वो यदि अग्नि यदि अपने स्वभाव को बदल देगा मतलब अग्नि यदि केरल प्रदेश में चला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा और बाहर में चला जाएगा तो गर्म हो जाएगा यदि ऐसा किसी से खसोड़ा होता तब कोई व्यवहार चलता था बाजार से आपने चीनी लाएंगे चाय बनाने के लिए चीनी में मीठापन यदि आपको जो है मतलब उत्तर देश में जाकर अथवा पूर्व में जाकर के मीठापन जो है खट्टा हो जाता है और खट्टा पर यदि ऐसा हो जाता कोई अपने स्वभाव पर परिवर्तन करें तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आपने निश्चय किया जो अग्नि के धर्म उष्णता है और क्या है अग्नि यदि अपने स्वभाव में परिवर्तन हो जाए तो विरुद्ध प्रमाण कोई प्रमाण पूर्व में व्यवहार भी नहीं चल पाएगा इसलिए बोलते हैं सर्व प्रमाण विरोधा एक नंबर की सर्व प्रमाण विरोधा न ही प्रत्यक्षादि मध्यादि केशु शैत्यादिक विषयीकरण भाव प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष मतलब स्पर्श प्रमाण के द्वारा मध्य में उष्णता अपने सिद्ध होने के बाद अब कुछ देर बाद बोलेंगे नहीं नहीं मध्य तो ठंडा है ऐसा नहीं हो सकता जंगल का विषयीकरण मतलब शीतता अग्नि को बड़ी विषय नहीं करता कल देखिए कल क्या हो सकता है बहुत फर्क दिया ठंड बहुत अधिक हो आपने थोड़ा सा लकड़ी जला थोड़ा गर्म करेंगे कुछ अपना पर्याप्त लकड़ी आपके पास था नहीं और रखा था आपको ठंड नहीं देते तब कभी बोलते हैं कि अरे अग्नि भी ठंड होगी मतलब उतना मात्रा में ठंड को बर्फ को पिघलने के लिए जितना मात्रा में आपको मुझे उतना आपने प्रयोग नहीं किया परंतु बर्फ क्योंकि ये एक भूतों का स्वभाव है ये भूत आपस में जो एक दूसरे का हमेशा विरोध करता है मौका मिलने से ही वो दुष्ट को इस प्रकार आप जो है अग्नि जैसा पानी को सुखाते हैं ऐसा पानी को अग्नि को बुझाती है लेकिन नहीं अब जिसकी मात्रा अधिक हो जाए पानी की मात्रा अधिक है तो अग्नि को बुझाए और अग्नि की मात्रा अधिक हो तो पानी को सुखाए इस प्रकार से एक भूत आपस भूत में विरोध करता रहता है भगवान है इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है और अनुशासन नहीं तो कोई किसी को रहने नहीं देता ऐसा स्थिति है इसलिए सभा को समस्त प्रमाण से विरोध होने के कारण
इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं अजम अव्ययम आत्मदत्तम, इसीलिए जन्म रहित व्यय रहित जो आत्मा के अंदर जो रियलिटी है वो तत्तम माया एवं भिन्नते, माया से उसमें भेद की उत्पत्ति होती है, न परमार्थ तो परमार्थ की दृष्टि से भेद होना संभव नहीं है। तस्मात् न परमार्थ सद्वैतम क्या संभव होता, क्योंकि कार्य की कारण की धर्म कार्य में आता है, और आपने जब कहा कि द्वैत जो है अद्वैत में कार्य है, तब अद्वैत मतलब द्वैत भी पारमार्थिक होना चाहिए, तो ये परिणाम बात को लेकर जो शंका उठाया गया था उत्तर विभक्त बात को लेकर के दिया गया कि माया के कारण ऐसा भेद की प्रतीति होती है, इसलिए जो पारमार्थिक सत्य ये हो नहीं सकता। तस्मात् न पारमार्थ सत्य द्वैतम, इसके पारमार्थिक सत्य द्वैत प्रपंच नहीं हो सकता। दो नंबर टिप्पणी देखेगा तस्मात् द्वैतात्मक भेद मायिक द्वैतात्मक जो भेद दिखाई पड़ता है वो भेद मायिक होने के कारण वहाँ पे पारमार्थिक सत्य तो आना संभव नहीं है। इसको टीकाकार क्या बोलते हैं, टीकाकार बोलते हैं कि पूर्वार्थ तो यहाँ तक हो गया था, तत्र पूर्वार्थ अक्षराणि अवतार्य व्याकरण की। अब इस विषय में अब भगवान भाष्यकार क्या करते हैं, श्लोक की पहला आधा भाग में आए हुए पदों को लेकर के व्याख्या करते हैं। तत्र पूर्वार्थ अक्षराणि अवतार्य पूर्वार्थ में आए हुए जो अक्षर है उसको लेकर के व्याख्या करते हैं। अत आह उसको उत्तर में बोलते हैं, अत आह उसको अत क्या बोलते हैं कि माया भिन्नते ही ये तथा कथम चाहिए विमतो भेद मिथ्या भेदत्वा चंद्रादि भेदवत अर्थ विवादास्पद, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है भेद सत्य अथवा नहीं है अनुमान दे रहा है। विमतो भेद विवादास्पद जो भेद है वो मिथ्या है वो पारमार्थिक नहीं है। किस क्यों भेदत्वा जहाँ कहेंगे आपको भेद दिखाई दे वो मिथ्या ही होगा भेदत्वा चंद्रादि भेदवत, चंद्र से मतलब जैसे एक चंद्र को दो चंद्र देखना प्राइमरी दोष के कारण अथवा अधिष्ठान रज्जु को जलधरा भूषित दंड माला सर्प कई रूप में देखना वो पारमार्थिक नहीं होता, वो जो है प्रातिभाषिक होते हैं। इसलिए बोलते हैं विमत्र भेद ये हो गया पक्ष, मिथ्या हो गया साध्य, हेतु हो गया भेद भेद भेदत्वा मतलब भिन्नता रूपी धर्म वहाँ पे बैठा होने के कारण चंद्रादि भेदवत, जिस प्रकार चंद्र अनेक रूप में दिखते हैं वो पारमार्थिक नहीं है, रज्जु अनेक रूप में देखते हो भी पारमार्थिक नहीं है, ठीक इसी प्रकार यह से एक ही अधिष्ठान तत्व आत्मा जब अनेक रूप में प्रतीत होते वो भी पारमार्थिक नहीं है, वो मिथ्या ही मिथ्या मतलब प्रतिभास्त है परमार्थ स्वरूप तो नहीं है, ये मिथ्या ही किया। और दूसरे उसका विपरीत बोलता है विमत तत्व भेद रहित है ना विवादास्पद जो है दिखाई वो भेद नास्तिक नहीं है, विवादास्पद भेद तत्व जो भेद रहित निन अवयवत्वात् नित्यत्वात् अजत्वात् च व्यतिरेकेन मृदादिवत् इति आह है ना। दोनों बातें का अनुमान दे रहे हैं, इस प्रकार के अनुमान को क्या बोलते हैं कि शत प्रतिपक्ष अनुमान आयत हेतु अभाष शत प्रतिपक्ष मतलब क्या है, एक ही पक्ष में दो विरुद्ध मतलब बिल्कुल अपोजिट शास्त्र को सिद्ध करने के लिए दो अलग अलग हेतु दिया जाता है उसको शत प्रतिपक्ष हेतु आवास बोलते हैं है ना। एक ही पक्ष में जिस प्रकार ईशावास उपनिषद के पहले ही मंत्र ईशावास निषादय मंत्र कर्म स्वाभिनिहित तथा देशा कर्म शिष्य आत्म ने यथार्थ प्रतिवाद तत्व एक बाधी जो है ईशावास मंत्र को जो है कर्म में विनियोग मानते हैं, हर एक बार ईशावास कर्म में विनियोग नहीं मानता आत्मा के यथार्थ प्रकाशक होने के कारण उनका पक्ष गलत हो जाएगा। आप वहाँ पे विचार करें कि हम भाई वहाँ पे तात्पर्य के अंदर के लिए के द्वारा देखो कि कर्म में विनियम है क्या आत्मा के द्वारा क्यों करता है, तो पक्ष गलत हो जाएगा, तो पक्ष गलत हो जाएगा। ये सब प्रति पक्ष यहाँ पे देखिए विमत भेद जो विमतम है विमतम भेद मतलब विमतम बोलते हैं विमतम जो जगह जिसको तत्त्व भेद रहित तात्विक भेद से रहित है ना विमतम तत्त्व भेद रहितम, क्यों वहाँ पे हेतु क्या दिया था भेदत्व, और यहाँ पे हेतु क्या दिया निन अवयवत्वा नित्यत्वा अजत्वा, और वहाँ पे दृष्टांत क्या दिया था
कि चंद्रादि भेद या फिर व्यतिरेक कृष्ण लेकिन तो हमारे पास है अन्न कृष्ण तो है ही नहीं कोई सारा भेद दिखाई पड़ता है व्यतिरेक मृद आदि वर्ग समृद्धि का भी भेद दिखाई पड़ता है मृत्यु का भेद दिखाई पड़ता है क्योंकि आप इसको मन में रखते बोलते हैं न परमार्थ प्रणीत अव्यवत्व आत्मन नहीं नहीं ऐसा भेद पारमार्थिक होना संभव नहीं है आत्मा नील अवयव है तीन है दुनिया नील अवयवत्व नित्यत्व अजत्व ये तीन हेतु के कारण क्या होता है भेद सत्य नहीं हो सकता ओम नमः शिवाय।